सीपैक रूट को बड़ी सोसाइटियों ने बेचा, सीपैक का नाम बेचा, और वो सोसाइटियों का फ्यूचर क्या है, उनको इंटरचेंज मिलेगा, रास्ता मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत बड़े बड़े नाम है उस सीपैक रूट पे, सोसाइटीज है बहुत सारी, उन्होंने प्लॉट्स बेचे, उनका क्या फ्यूचर है? देखिए, कोई भी सोसाइटी जो मोटरवे पे बन रही है या सीपैक रूट्स के ऊपर बन रही है, चाहे M1 है, M2 है या M14, कोई भी सोसाइटी अगर ये कहती है कि हम इसके ऊपर इंटरचेंज बनाएंगे, तो यस इट इज़ पॉसिबल, लेकिन बट इट इज़ नॉट ईजी। इसके लिए आपको NHA को एक बहुत बड़ी पेमेंट करनी पड़ती है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं, इसके लिए आपको जिस जगह आपको इंटरचेंज चाहिए उसका पहले जो सर्वे होता है कि क्या इधर इंटरचेंज बन सकता है, राइट पे और लेफ्ट पे आपने NHA को लैंड देनी होती है जिसके ऊपर आपके इंटरचेंजेस बनते हैं। सो इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। आज हर लगड़ बगड़ उठ के सोसाइटी वाला जिस जिंदगी 500 रुपया उस जेब होता कौन या 5 करोड़ नहीं होंगे या 50 करोड़ नहीं होता, वो गल यह करता मैं इंटरचेंज बढ़ा सा। सो इंटरचेंज नहीं बनाया जा सकता, इंटरचेंज बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट लेवल जब इन्वॉल्व होती है तब इंटरचेंज बनता है। एक प्राइवेट रियल स्टेट डिवेलपर मलक साहब हो, टाइकून हो, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, या जिस तरह अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी जैद रफीक साहब का प्रोजेक्ट है, हबीब रफीक डेवलपर, तो ये बहुत बड़े डेवलपर हैं, वो बना रहे हैं तो वो कुछ समझ आती है। फैसल टाउन के चौधरी मजीद साहब हैं, उनके फैसल हिल के पीछे M1 पे ज़मीन लग रही है, इस तरह जो फैसल टाउन फेज 2 है वो M2 पे ज़मीन लग रही है, वो लोग बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और आम जो लगड़ पकड़ सोसाइटी वाला है वो ये सोच भी नहीं, उसको अगर 16 फुट का गोला हुकूमत दे दे, वो उस पर भी बिस्मिल्लाह और इक्तफा और शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करें।